शपथ ग्रहण करने से पहले ही होंगे तीनों राज्यों के चुनाव रद्द, हर तरफ मची अफरा तफरी। आपको बता दें कि तीन राज्यों की सत्ता हासिल करने में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही है। इस प्रचंड जीत के बाद बीजेपी जबरदस्त उत्साहित है, लेकिन इस बीच चौंकाने वाली बात सामने आई है जिससे बीजेपी की होश उड़ गए हैं। जी हां, आपको बता दें शपथ ग्रहण से पहले ही बीजेपी की सत्ता पर संकट मंडरा गया है। ईवीएम धांधली को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पोस्टल बैलेट्स के जरिए कांग्रेस को वोट देने वाले और हम पर भरोसा जताने वाले सभी मतदाताओं का धन्यवाद। तस्वीरों के आंकड़ों में एक प्रमाण है जो यह बताता है कि पोस्टल बैलेट के जरिए हमें यानी कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त है, जबकि इनमें से अधिकांश सीटों पर ईवीएम काउंटिंग में हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास न मिल सका। यह भी कहा जा सकता है कि यह एक तंत्र जीतता है तो यानी कि लोग हार जाती है। NU बट न्यूज चेन्नई सुप्रीम कोर्ट के एक बार राष्ट्र वकील का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि एवं धांधली को लेकर शिकायत लोगों ने इलेक्शन कमीशन में दर्ज कराई है और 230 विधानसभा सी मध्य प्रदेश में, और अगर 15,000 शिकायत के सामने आई है तो मानिए 230 विधानसभा में गड़बड़ी होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि तीन राज्यों में बीजेपी ने एक तरफा बहुमत हासिल कर जीत दर्ज कर दी है, उससे विपक्ष के नेता अचंभित है, मतपत्र की सील भी दिखाई और शिकायत दर्ज भी कराई है। इसके साथ ही कांग्रेस मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों से स्तब्ध है और चुनावी कदाचार के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया और चीजें अचानक कैसे बदल सकती है। मध्य प्रदेश के प्रभारी AICC सचिव श्री भाटिया ने ETV भारत को बताया, आगे कहा कि निश्चित तौर पर ईवीएम में धांधली हुई है, अन्यथा ऐसा परिणाम संभव नहीं था, चुनाव प्रक्रिया निरर्थक हो गई है। फिलहाल इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।